और गलतियां क्यों होती हैं इसको भी समझ लेना है। जिस समय तुम क्रोध में आते हो उस समय गलतियां होती हैं, जिस समय काम वासना से ज्यादा प्रभावित होते हो उस समय गलतियां होती हैं, जिस समय तुम मोह में ज्यादा डूबते हो तब गलतियां होती हैं, जिस समय अहंकार से तुम प्रभावित होते हो तब गलतियां होती हैं, और जिस समय तुम लोभ में डूब जाते हो तब गलतियां होती हैं। जब लोभ तुमको प्रभावित करता है तभी तुम चोरी करते हो और चोरी करने के बाद झूठ बोलते हो, गलती पर गलती करते हो। जब अहंकार से प्रभावित होते हो तभी तुम दूसरों से टकराते हो, झगड़ा लड़ाई करते हो, और जब क्रोध भयंकर आता है तब तुम बड़बड़ाते हो और गाली बकते हो, फिर गलती पर गलती होती चली जाती है। और जब मोह बहुत होता है किसी के प्रति तो उसके मोह के कारण तुम अन्याय करते हो, कपट करते हो, छल करते हो। जैसे दुर्योधन के मोह में पड़ करके धृतराष्ट्र ने अन्याय किया था ऐसे मोह तुमसे अन्याय कराता है। अगर गलतियों से बचना चाहते हो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष को जीतने का प्रयास करो तो गलतियों से बच जाओगे, और गलतियों से बचोगे तो प्रसन्नता को सदैव प्राप्त करते रहोगे, प्रसन्नता को सदैव प्राप्त। दारू पियोगे और कहोगे कि हम प्रसन्न रहे, कभी नहीं प्रसन्न रहोगे। दारू पी करके थोड़ी देर नशा रहेगा तो बलबलाते रहोगे, ओड़ो इंग्लिश बोलते रहो, नशा उतरेगा तो कंगालपति हो जाओगे, बर्बाद हो गए। जमीन बेच बेच कर दारू पीते हो फिर खुश रहना चाहते हो, भिकमंगे होने की राह पर चल रहे हो, जमीन बेच बेच कर जुआ खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, हनुमान जी का सिक्का दांव पर लगा रहे हो, बर्बाद होने वाले हो। वहाँ खुशियाँ सब नष्ट होंगी, जीने के भी लाले पड़ जाएंगे, जिंदगी बर्बादी के कगार पर जाएगी। शराब पी करके अगर सुख मिलता होता तो सबसे ज़्यादा शराब तो हम पीते, हम प्रसाद में ही फल नहीं मंगाते, एक एक बोतल इंग्लिश बियर कि लाओ पियो मेरे ऊपर और डालो पूरा खुश हो जाऊँ। शराब से कहीं खुशी मिलती है? जिन जिन लोगों ने शराब किया है पिया है वो सब बर्बाद हुई है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, जुआ खेल करके पांचों पांडव सहित द्रौपदी को हार गए थे, कितने अपमान के घूंट पीना पड़ा था। इसलिए याद रखना नशा भी तुम्हारी खुशियों को नष्ट करने का काम करता है, गंदी गंदी आदतें भी आपकी खुशियों को नष्ट करती हैं, आलस भी आपकी प्रसन्नता को नष्ट करता है, मन की चंचलता भी आपकी प्रसन्नता को नष्ट करती है। बचपन में यदि तुम्हारा मन चंचल है तुम पढ़ने में मन नहीं लगाते हो, योग्य नहीं बन पाते हो, जवानी में तुम पछताते हो और दुखी होते हो और कहते हो कि बचपन में पढ़ लिया होता तो ठीक था, लेकिन कब सोच रहे हो, समय निकल गया तब सोच रहे हो। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवत यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया। चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही है कि पश्चाताप उत्पन्न होने के समय, दुख होने के बाद, हानि होने के बाद, बीमारी आने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, सस्पेंड होने के बाद, चोरी हो जाने के बाद, बर्बाद होने के बाद, जैसी मनुष्य की बुद्धि होती है ऐसी बुद्धि यदि बर्बाद होने से पहले होती, एक्सीडेंट होने से पहले होती, हानि होने से पहले होती, अपमान होने से पहले हो जाती तो उस मनुष्य का सौभाग्य क्यों ना उदय हो जाता, कितनी किस्मत उदय होती। एक्सीडेंट होने के बाद तुम कहते हो कि थोड़ा धीरे चलाते तो ठीक था, लेकिन कब कहते हो, जब एक्सीडेंट हो गया, जब टांग टूट गई, जब खोपड़ी फट गई, हॉस्पिटल में भर्ती पड़े हो तब कहते हो कि थोड़ा धीरे चलाते। लेकिन अगर यही बुद्धि एक्सीडेंट से पहले होती और तुम कहते धीरे चलाऊंगा और धीरे चलाते तो भला तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य क्यों ना उदय हो जाता। फेल होने के बाद हर विद्यार्थी सोचता है थोड़ा ट्यूशन लगा लेते ठीक था, थोड़ा मोबाइल कम चलाते ठीक था, थोड़ा रात में पढ़ते ठीक था, माता पिता कहते थे बात मान लेते तो ठीक था, लेकिन ये कब सोच रहे हो, जब फेल हो गए तब सोच रहे हो। फेल होने से पहले ये बुद्धि आ जाती तो तुम्हारे पास संभलने का अवसर था। ये प्रसन्नता फोकट में नहीं मिलती है,
बचपन में जो खुशी होती हो अज्ञानता के कारण खुशी है, बच्चे को ज्ञान नहीं, बच्चे को ये भी पता नहीं है कि गलती क्या हो, अच्छाई क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है। गुजरात के ये भक्त विजय भाई पटेल कह रहे थे, मेरा बच्चा सामने वाले पड़ोसी के घर जाता है। मैंने कहा कितना बड़ा है, बोले अभी कितना है, 2 साल का है, रेंगता हुआ चला जाता है। मैं उसको बताता हूँ तू उधर मत जाना, उनके घर क्यों जाता है, और वहाँ ये जाता है और पड़ोसी भी ऐसा है, वो इसको काजू खाने को दे देता है, ये काजू किशमिश खा के आता है, तो जब दांव पाता वो निक घर पहुँच जाता है और काजू किशमिश खा के आ जाता है। तो मैंने कहा कि तुम जाने नहीं देना चाहते, बोले दूसरे घर बार बार ठीक नहीं। तो मैंने उस बच्चे से कहा तू क्यों जाता है, तो बच्चा बोल नहीं पाता था तो मुस्कराता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तब पूछा मैंने, तो बोला कि कौन है अपना कौन पराया, आप सिखाते हो ना, वो भी घर अपना ही है वहाँ खा लेता हूँ क्या फर्क है। बच्चे अपना पराया का बोध नहीं होता है इसलिए वे खुश रहते हैं, गलत सही का बोध नहीं होता इसलिए खुश रहते हैं, उनको मालूम नहीं हम गलती कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है, बुद्धि बढ़ती है, समझ बढ़ती है, तुमको गलत और सही का बोध भी रहता है, अपने पराये का भी बोध रहता है कि अपना क्या है पराया क्या है। तो बच्चे की खुशी वो अज्ञान दशा में है, लेकिन जब तुम्हारी उम्र बढ़ती है तब तुम्हारी खुशियों के ऊपर संकट के बादल छाने लग जाते हैं। जितना लोभ को त्याग करोगे उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे, और लोभ का त्याग करने मात्र से भी खुश नहीं रहोगे। यदि गुस्सा बहुत है, कितने लोगों के पास लोभ लालच बिल्कुल नहीं, लेकिन गुस्सा इतनी ज़्यादा है, अपने क्रोध के कारण वे अशांत रहते हैं, क्रोध को भी कम करना पड़ेगा, सहनशीलता बढ़ाना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा, किसके लिए क्या बोलना है। बोलने में तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन याद रखना अगर गलत बात बोलोगे तो बुरी तरह फंस भी जाओगे। कितने नेता फंस जाते हैं उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं, जब तक माफ़ी नहीं मांगते तब तक दूसरी पार्टी हुल्लड़ मचाती रहती है कि माफ़ी मांगना पड़ेगा, माफ़ी नहीं मांगोगे छोड़ोगा नहीं। अब सबके बीच में माफ़ी मांगने में भी शर्म लगती है, गलती करने में बेशर्मी से गलती किया है, अब शर्म लगती माफ़ी मांगने, माफ़ी कैसे मांगूं। पर अब 200-400 लोग पीछे जुटा हुआ है तो माफ़ी मांगना पड़ जाता है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान होता है वो किसी के बारे में फालतू बात नहीं बोलता है, फालतू बात बोलोगे फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो खुशी नष्ट हो जाएगी, पकड़ में आ जाओगे। राजनीति भी बहुत सहनशीलता का मार्ग है, राजनीति बहुत ही नम्रता का पथ है। राजनीति में ज़्यादा क्रोध करने वाले सफल नहीं होते, ज़्यादा लालची लोग भी सफल नहीं होते, थोड़े दिन सफल होने के बाद असफल हो जाते। राजनीति भी त्याग मांगती है, और जितना ज़्यादा गम खा सकोगे उतना ज़्यादा सफलता तुम्हें सब जगह मिलेगी। साधु बन जाओ, अगर गम खाना आता है तो साधु लाइन में भी सफल हो जाओगे। अभी रायपुर का एक सब इंस्पेक्टर मेरी सेवा में था, तो कल बोल रहा था कि हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने कहा बर्दाश्त करते क्यों हो, बर्दाश्त जब होता नहीं तो करते क्यों हो, जो करना है करो। तो बोला हम सह नहीं सकते। तो हमने कहा नहीं सह सकते हो तो क्या कर सकते हो। बोले गलत हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो हमने कहा गलत तुमको बर्दाश्त नहीं होता है और सही में बर्दाश्त करना ही नहीं होता है, सही तो सही है ही है, उसमें क्या बर्दाश्त करोगे, और गलत बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त तो गलत में ही करना पड़ता है, सही में क्या बर्दाश्त करना। भोजन सही बना है तो उसमें क्या बर्दाश्त करना, भोजन में नमक नहीं है, मिर्चा ज़्यादा है, कच्ची दाल है, उसी में तो बर्दाश्त करना है, और जब सब ठीक ठाक है तो क्या बर्दाश्त करना है।
मैंने उससे तर्क दिया, दरोगा जी था, तो बोला कि बात सही आपकी है, जो चीज सही है उसमें क्या बर्दाश्त करना, जो गलत है उसी में तो बर्दाश्त करना। तो हमने कहा सहनशीलता भगवान राम भी रखते थे, तुम भी सहनशीलता रखा करो। क्या ये रायपुर की पूरी पुलिस लाइन तुम्हारे अनुसार चल सकेगी? कभी नहीं चलेगी। बर्दाश्त नहीं करोगे नौकरी छोड़ना पड़ेगा आपको, बर्दाश्त कर लिया करो। तो थोड़ा सोच में पड़ा। लेकिन जो लंबे समय तक क्रोध कर चुका है उसकी क्रोध करने की भी आदत बन जाती है। आदत जो बहुत समय तक पान पुड़िया तंबाकू खाया है अब उसकी आदत बन गई, अब वो खाना नहीं चाहता, उसके नुकसान भी भोग चुका है फिर भी खा लेता है। जिसने 20 साल से गालियां बकी है अब आदत बन गई है, अब बकना नहीं चाहता, गालियों के बकने से नुकसान भी उठा चुका है, वो कहता है अब गाली छोड़ दूंगा, तो गाली छोड़ने के लिए भी कहता है ये गाली साली छूटती नहीं, फिर गाली को भी साली बनाता है, आदत बन गई। जो कार्य तुम वर्षों तक करते हो आदत में परिणित हो जाता है, जो चीज आदत में परिणित हो जाती है उसको छूटने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जो आदत को छोड़ देता है, आदत को जीत लेता है, वो इंसान के रूप में महान व्यक्ति होता है, वो नारी के रूप में नारायणी होती है, वो नर के रूप में नारायण होता है। और फिर ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वो घर भी मंदिर की तरह होता है, तीर्थ की तरह होता है, और उनकी जिंदगी धन्यवाद की पात्र बनती है। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब ने जो भजन की परिभाषा किया है, आज तक जितनी भी भजन की परिभाषाएं हुई हैं, जिन जिन महान पुरुषों ने भजन की परिभाषा बताई है, वो समस्त महान पुरुषों के द्वारा बताई गई भजन की परिभाषा से कबीर साहब की परिभाषा बिल्कुल विलक्षण है, अलग है, पृथक है। कोई बताता है माला फेरो इससे भजन हो जाएगा, कोई बताता है कि जिस नाम को तुम मानते हो उसका नाम लिखो, 100,000 नाम लिख डालो यही भजन है, कोई बोलता है कि घंटी शंख बजाओ वो भजन है। लेकिन कबीर साहब शंख और घंटा से रिश्ता नहीं रखते, न माला से रिश्ता है। कबीर साहब तो कहते हैं माला भेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, माला फेरते फेरते युग बीत गए और मन उनका फिरा ही नहीं मन वही चंचलता कर रहा है। तो साहेब कहते हाथ की माला डाल दे, ये मन की माला को घुमा ले, जो तेरे मन की माला है इसको घुमाना सीख, कर का मन का डर दे मन का फेर, मन रूपी माला के मनकों को घुमा दीजिए, ये हाथ में जो मन का की माला लिए हुई इसको डाल दीजिए। माला को डालना भी बहुत कठिन है,
क्योंकि डालने में डर लगता है कि माला कहीं डाल दो कुछ और न खतरा हो जाए। एक आदमी अपने गांव से निकलता था, सर्विस पे जाता था, तो रास्ते में जितने मंदिर मिलते थे सब में झुक के नमस्कार करता था। एक दिन उसने एक मंदिर में नमस्कार नहीं किया तो दिन भर उसको अशांति रही कि सब देवता तो खुश हो जाएंगे, एक ही देवता प्रलय कर सकता है। अपने गुरु के पास गया, बोला एक मंदिर में नमस्कार नहीं किया मैंने, आज बड़ी अशांति रही है। तो गुरु ने कहा कि तुझे ज्ञान है ही नहीं, वास्तव में तो मंदिर ये मन ही मंदिर है, तन ही तीर्थ है, कर्म ही धर्म है, और तो जिस राह पे चलता है वो तीर्थ यात्रा ही है। तीर्थ यात्रा अलग से नहीं होती है, याद रखना, पवित्र मन से जिस राह पर तुम जा रहे हो पवित्र कार्य के लिए, हर कदम तीर्थ यात्रा का कदम होता है। घर ही में तीर्थ बनई बई, मंदिर हम काहे को जईबई। घर ही में तीर्थ बनई बई, मंदिर हम काहे को जईबई। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनई बई, मंदिर हम काहे को जईबई। घर ही में तीर्थ बनई बई, मंदिर हम काहे को जईबई। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनईबई, मंदिर हम काहे को जईबई। स्वामी को ईश्वर बनईबई, मंदिर हम काहे को जईबई। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। तीर्थ बनईबई, मंदिर हम काहे को जईबई। घर ही में तीर्थ बनईबई, मंदिर हम काहे को जईबई। मात पिता की सेवा करी कै, मात पिता की सेवा करी के। कुटिन तीर्थ फल पईबई, मंदिर हम काहे को जईबई। कुटिन तीर्थ फल पईबई, मंदिर हम काहे को जईबई। भक्ति क्या है, भजन क्या है? मन की चंचलता को मारना भजन है। मन में बहुत सी लहरें उठती रहती है, क्षण क्षण में मन बदलता रहता है। कभी तुम्हारा मन सोचता है ऐसा ध्यान लगाऊं कि दुनिया सब पूरी भूल जानी चाहिए, ध्यान में बैठते हो तो पूरी दुनिया याद आती है। ऐसे तो दुनिया थोड़ा थोड़ा याद आती है, लेकिन ध्यान में बैठ कर देखो तो कितनी दुनिया याद आती है, पूरी दुनियादारी याद आती है। क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं लग सकता है। पहले ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान करते किसका हो, तुमको यही पता नहीं कि ध्यान किसका करना है, और तुमको ये भी पता नहीं ध्यान कैसे किया जाता है। खाली आंख मूंद कर बैठने से थोड़े ध्यान हो जाएगा। गुना में सत्संग हो रहा था, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद मुख्य आयोजक थे, प्रवचन करा रहे थे। एक आश्रम में मुझको ले गए, बुद्ध का आश्रम था, विपश्यना ध्यान। तो बोले आप भी 5 मिनट ध्यान कर लो।
बिठा दिया 5 मिनट, तो मैं तो बैठ गया, सब संत बैठ गए, किसी को बताया नहीं कि ध्यान किसका करना, ध्यान क्या करना, ध्यान क्यों करना, ध्यान कितना करना, ध्यान कैसे करना, कुछ पता तो था नहीं। तो हमारे साथ के 2-4 साधु 5 मिनट में ही सो गए। 5 मिनट में सो गए। उनके साथ के जो भगत थे वो भी 2-5 मिनट में ही सो गए। लाइट जलाया तो मैंने सबकी आंखें देखा तो बड़ी नींद भरी हुई, तो हमने कहा ये कुछ पता भी नहीं था क्या ध्यान करना है किसी को। और वास्तव में ध्यान किसका करने जा रहे हो? तुम जो भी ध्यान करते हो कुछ कल्पना करके रखते हो। कितने लोग एक अंडा जैसा फोटो बना लेते हैं, उसमें लाल पीला रंग जला लेते हैं लाइट, उस अंडाकार लाइट का ध्यान करते हैं। अरे उस अंडाकार लाइट में कोई भगवान है? फालतू ढोंग पड़े हुए, ऐसी ऐसी लाइट तो तुम बहुत जला बुझा चुके हो। ध्यानवान वहाँ है। ध्यान से पहले तो आत्मज्ञान प्राप्त करो। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। Who am I? मैं कौन हूं? हूं कौन छू? गुजराती भाषा में कहते हैं हूं कौन छू, हिंदी में कहते मैं कौन हूं, इंग्लिश में कहते Who am I? तो मैं कौन हूं? बहुत से लोगों को यही पता नहीं कि मैं कौन। क्या मैं शरीर हूं? चलो आत्मबोध की चर्चा थोड़ा हो जाए, थोड़ा पारक सिद्धांत में प्रवेश कर जाओ। क्या तुम शरीर हो? यदि तुम कहते हो मैं शरीर हूं तो आपका एक हाथ कट जाता है तो तुम कैसे रहते हो? फिर एक आंख, दोनों आंखें फूट जाती तो तुम रहते हो कि नहीं रहते हो? तुम्हारी दोनों टांगें कट जाएं फिर भी तुम रहते हो? तो अगर तुम शरीर हो तो तुम फिर कैसे रह जाओगे? फिर तुम कहते हो कि मेरी टांग कट गई है, मेरी टांग कट गई, मेरा हाथ कट गया है, मेरी आंख फूट गई, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। इसमें बहुत लोगों के कमर में दर्द है जितने बैठे हुए हैं, लेकिन कमर में दर्द क्यों है, उसकी दवाई क्या है? जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि दर्द का भी एक अलग सुख होता है, दर्द झेलो। अब जिनके दर्द है वो चाहते हैं दवा भी बता दो, लगा लपेट में जान जाऊं। दर्द, मेरी कमर में दर्द है, इसका मतलब ये मेरी कहने वाला कौन है? मेरा चश्मा कहाँ है? मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी अलग है, ये मेरा कहने वाला, मेरी, मेरा, मेरे कहने वाला अलग है। चश्मा अलग है, तुम अलग हो। चाबी अलग है, तुम अलग हो। तुम चाबी नहीं हो, तुम्हारी चाबी है, तुम चाबी नहीं। तुम चश्मा नहीं हो, तुम्हारा चश्मा है। तो तुम चश्मा नहीं हो। तुम कहते हो मेरे गले में दर्द है, इसका मतलब तुम गला नहीं हो। मेरे हाथ में दर्द है, इसका मतलब हाथ अलग है, तुम अलग हो। तुम्हारे हाथ में दर्द है, तुम में दर्द नहीं। तो जो ये कह रहा है कि मेरा हाथ, मेरी टांग, मेरी आंख, मेरा सिर, मेरी कमर, मेरा चश्मा, मेरी गाड़ी, ये मेरा 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 कहने वाला कौन है, उसका क्या परिचय है? वो कौन है? वो तुम हो। तुम ही तो कहते हो ये मेरा वो मेरा, तो फिर तुम कौन हो?
अब ये तुम बताओ, तो तुम बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो उसका उत्तर आ जाए तो पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, तो तुम कौन हो। जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम कौन हो। शरीर को जीवित रखने वाले तुम तत्व हो। इस आत्मा का एक नाम जीव भी है। जीव कहते हैं इसको कि बोल दिया करो हाँ हूँ थोड़ा। हाँ बहुत घबराओ मत, कोई कठिन नहीं है, 50 बार सुन चुके हो, हमसे पहले भी संत सुन चुके, सब वही है, बोलने का ढंग अलग है। तो ये जीव, जीव का मतलब है कि जीवित रखने वाला। जब तक जीव शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है, ये बात सत्य है कि नहीं। और जब जीव इसमें नहीं रहता है तो ये शरीर जीवित नहीं रहता है। तो जीव कौन है? जीव वही है जो शरीर को जीवित रखता है। तो जीवित कौन रखता है? जीवित वही रखता तो जीव है। तो जीव कौन है? जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम कौन हो? जीव की विभिन्न नाम है, उसको ही आत्मा कहते हैं, जीव को ही आत्मा कहते हैं, और जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, और जीव को परब्रह्म भी कहते हैं, और जीव को ईश्वर भी कहते हैं, और इस जीव को परमात्मा भी कहते हैं। अनेक शास्त्र पढ़ो तब उसमें पता चलता है। तो फिर ये जीव कौन है जो इस शरीर को जीवित रखता है? वो जीव तुम हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो, तुम आत्मा हो। और तुम जब तक इस शरीर में रहते हो तब तक इस शरीर जीवित रहता है। तुम स्त्री भी नहीं हो, तुम पुरुष भी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। शुद्ध हो से बुद्ध हो से निरंजनों से। कोई स्त्री ये मत समझे कि मैं स्त्री हूं, मैं माने जीव, मैं माने आत्मा। ये आत्मा स्त्री नहीं है, ना आत्मा पुरुष है। आत्मा ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना जवान है। ये आत्मा बूढ़ा जवान होता ही नहीं है। ये जीव कभी ना बूढ़ा होता, ना कभी जवान होता है। और ये जीव कभी जन्म भी नहीं लेता है, ये जीव कभी मरता भी नहीं है, इसको कोई मार भी नहीं सकता है, क्योंकि ये अविनाशी है। इसको तुम मुट्ठी में पकड़ भी नहीं सकते, इसको एटम बम से भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि जो अमर है वो मरेगा कैसे? और इस शरीर को कोई अमर कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, और जो पैदा होता है उसका विनाश होता ही है, और जिसका जन्म नहीं है उसका मरण भी नहीं है, और जो पैदा नहीं होता वो मर भी नहीं सकता है, और जिसको कोई बना नहीं सकता उसको कोई मिटा भी नहीं सकता। शरीर तो तुम बनाते हो ना, माता पिता मिल करके एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, उसके शरीर की रचना कर देते हैं, दोनों का रज वीर मिल करके शरीर बन जाता है। तो शरीर तुम बनाते हो इसलिए शरीर मिटता है। और सृष्टि दो प्रकार की है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सृष्टि। नेचुरल का मतलब जैसे पहाड़, पहाड़ मनुष्य ने बनाया है कि अपने आप बना? बोलो, अपने आप बना है। तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक सृष्टि। मकान, जैसे मकान बना है, मकान अपने आप बना है कि मनुष्य ने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। तो ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं, और नेचुरल को प्राकृतिक कहते हैं। वो प्रकृति स्वयं बनाती है, जैसे पहाड़ है, बहुत बड़े जंगल है, ज्वालामुखी है, सूरज चांद है, इसको कोई आदमी नहीं बनाया, ये स्वतः सब है, ये पृथ्वी है। तुम कुल्हड़ प्याली मटका बना सकते हो, ईंट बना सकते हो, लेकिन पूरी पृथ्वी क्या मनुष्य बनाता है? नहीं। तो ये सब प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक सृष्टि है। तो एक तो जड़ सृष्टि, दूसरे चेतन सृष्टि। तो जड़ सृष्टि में जैसे जंगल, ये जड़ सृष्टि, पहाड़ जड़ सृष्टि और प्राकृतिक है। ये चेतन सृष्टि जिसमें जीव है, तो जड़ और चेतन दोनों मिलकर सृष्टि बनती है। जैसे इस शरीर के अंदर जीव भी है और शरीर भी है, तभी ये सृष्टि बनी है।
अगर जीव न हो तो ये शरीर 3 दिन में सड़ जाएगा, और जीव इसके अंदर है तभी ये शरीर जीवित है, और शरीर परिवर्तन होता रहता है, बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से जर्जर, जर्जर से बीमार, बीमार से मृतक। मृतक कब होता है? जब जीव निकल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ई न जाने हम हूँ मर जाई भाई, टका 10 बीढ़े और लिख भाई। तुम्हारे घर में जब कोई